hi everyone a very good morning to all of you i welcome you all to another session of rbi 247 wherein we discuss finance current affairs that are relevant for rbi grade b and sebi grade a exam let's get on with today's video today the three very important topics that we're going to study are about rbi's important surveys that rbi conducts some of them are bi-monthly some of them are quarterly this is very important from exam point of view the next is about upi international very very important upi international this has been in news very recently why we will understand that now the third one is about sebi sebi has strengthened the framework for issuing global debt securities green debt securities or green bonds let's see the first uh, topic important surveys of rbi so rbi conducts various surveys फाइव मेजर सर्वेस आरबीआई अपनी मॉनिटरी पॉलिसी सर्वेस के अंडर इनको ऐड करा जाता है मॉनिटरी पॉलिसी सर्वेस ठीक है दीज आर द नेम्स ऑफ दी सर्वे इस हेडिंग के अंदर आते हैं मॉनिटरी पॉलिसी सर्विस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सम ऑफ देम आर बाय मंथली सम ऑफ देम आर क्वार्टरली अब इन सर्वे में होता क्या है वी विल अंडरस्टैंड दैट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दीज आर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें या तो फैक्ट्स हैं या थ्योरी है कुछ समझाने वाला नहीं है कि ये क्यों होता है या कैसे होता है वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट सो इफ यू गो थ्रू दीस सर्वे ऑन आरबीआई वेबसाइट यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा ईच एंड एवरी इंडस्ट्री का डेटा है ईच एंड एवरी इंडिकेटर का डेटा है

फ्री ऑन यूट्यूब राइट सो अगर आप खुद ये सर्विस पढ़ने जाएंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट सर्विस मेंशन कहां पर है सो देर इज अ टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड पेज का डॉक्यूमेंट बाई दी आरबीआई न बी आस्ड फ्रॉम योर एग्जाम्स अब हमको पी एच डी नहीं करनी है इन सब में आर पर्प टू सी की एग्जाम में कितना आएगा और हमें कितना पढ़ना है Let's see the first survey here. RBI conducts consumer

और जो जनरल कंज्यूमर्स है वॉट विल बी देयर एक्सपेक्टेशन ऑन वेरियस पैरामीटर्स? वॉट पैरामीटर्स? इकोनॉमिक सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट द प्राइस लेवल स्पेशली इन्फ्लेशन इनकम एंड स्पेंडिंग तो आगे जाके कैसी स्पेंडिंग रहेगी क्या इन्फ्लेशन रहेगा एंड कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन है अबाउट इन्फ्लेशन अबाउट Price level, उसके हिसाब से दे विलयर इनकम देफ्ट देर स्पेंडिंग पैटर्न विच विल है जैसे आप स्पेंडिंग करेंगे एज द कंज्यूमर स्पेंड्स दिस डिपेंड्स की फ्यूचर में डिमांड कैसी होगी एंड जैसी डिमांड होगी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में वैसी होगी सो द पर्पज ऑफ दिस सर्वे द फर्स्ट सर्वे इज विच इज कंडक्टेड बाई आर बी बी आई

जनवरी का सर्वे है लेकर अब तक जो भी एक्सपेक्टेशन रही है कंज्यूमर की परसेप्शन रही है दैट इज मैप इन करेंट सिचुएशन इंडेक्स अभी तक क्या सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में हाउ इज कंज्यूमर रिएक्टिंग टू एवरीथिंग दैट इज है इकोनॉमी

क्या एक्सपेक्टेशन होगी ऑफ अ कंज्यूमर रिगार्डिंग वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं। ओके सो द करंट सिचुएशन इंडेक्स हमने समझ लिया दिस मैप्स कंज्यूमर परसेप्शन ओवर इकोनॉमिक इश्यूज ओवर द लास्ट वन ईयर एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स कंज्यूमर थिंक्स वॉट आर द अबाउट द सेम वेरिएबल्स जो हमने अभी देखे हैं ओवर वन ईयर अहेड द नेक्स्ट वन ईयर अब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है विच इज दिस ओनली कंज्यूमर सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ठीक है तो ये कंज्यूमर दैट परसेप्शन है कंज्यूमर्स का टूवर्ड्स दीज पैरामीटर्स दीज फाइव वेरिएबल्सर इज परसेप्शन इफ इट इज लेस देन हंड्रेड वी दैट देर इज पेसिमिस्टिक Expectation or perception. So, this is the current data of uh, January, which was introduced uh, this time in February. So, if you look at the current situation, which is the past current year.

why? because everything that is happening in the economy, inflation, is so much, uh, global supply chain disruptions, especially after the russia-ukraine war. so even though the perception is moving towards, is positive, getting positive, but it is still pessimistic. it is still less than 100. talking about the future expectation index this is more than 100 and it is increasing. so 114, 114, say 116. again, data is not important for you, but you have to see a future expectation is optimistic. current situation index is pessimistic. the consumer confidence improved further, both for the current period as well as for the year ahead. this was given under the survey, the conclusion of this survey. the second survey is about inflation expectation survey. what will be the expectation for inflation? प्राइस लेवल कैसा होगा लाइक आई उस पे डिपेंड करेगा विलोनोमी सो द सर्वे ऑफ हाउस होल्ड सिंस सेप्टेंबर टू अब इसमें क्या होता है रिस्पॉन्स देखे जाते हैं फ्रॉम क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव रिस्पॉन्सेज तो इन्फ्लेशन uh, जैसी जारी है उस पर क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक का

करंट इन्फ्लेशन बेस्ड ऑनज्यूवमेंट वॉट इज दर असैसमेंट ऑफ द कंज्यूमर ऑन प्राइज मूवमेंट एंड इन्फ्लेशन ऑफ अप्रोक्सिमेटली सिक्स थाउजेंड हाउस होल्ड तो सिक्स थाउजेंड हाउस होल्ड का सर्वे करा जाता है रिस्पॉन्स मैप करे जाते हैं इन दिस सर्वे ओके द रिस्पोंडेंट्स इंक्लूड नाउ अब इन रेस्पोंडेंट जो हैं जो सिक्स थाउजेंड हाउस होल्ड है इन रिस्पोंडेंट्स में और कौन कौन है फाइनेंशियल सेक्टर इम्प्लॉयज अदर इम्प्लॉयज सेल्फ एम्प्लॉयड होम मेकर्स रिटायर्ड पर्सन डेली वर्कर्स एक्सेट्रा सो ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें कौन कौन है ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है सर्वे की एंड वाई इज द सर्वे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज सर्वे ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स मैक्रो इकोनॉमिकेटर्स आर सर्टन मैक्रो इकोम इंडिकेटर्स फॉर एग्जाम्पल जी डी पी फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन तो एक पैनल बैठता है ऑफ प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स सो देर आर सर्टन प्रोफेशनल फॉरकास्टर्स इनका एक पैनल होता है दे टेल यू वॉट विल बी एज पर देयर एज पर देयर कैल्कुलशन वॉट विल बी द माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन नियर फ्यूचर तो ये सर्वे ये मैप करता है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पाथ की इकोनॉमिकेटर्स विकंडिकेटर्स आज जी डी पी इंफ्लेशन रेट आउटपुट ग्रोथ एक्सचेंज रेट ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट ऑफ दिस सर्वे इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द सेंट्रल बैंक बट फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसिस तो ये जो पैनलिस्ट हैं

पैनलिस्ट एंड क्वार्टरली फोरकास्ट तो एंड क्वार्टरली फोरकास्ट मिलता है ऑफ अराउंड ट्वेंटी की माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दीज आर द सर्टन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ग्रोथ इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा ओके सो दिस टाइम द एस पी एफ विच इज द सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स इन्होंने क्या बताया है ग्रोथ इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी सिक्स पॉइंट जीरो इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे लाइक द नेम सजेस्ट इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका क्या आउटलुक है टूवर्ड वेरियस थिंग टूवर्ड्स डिमांड्स टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट टूवर्ड इन्फ्लेशन टूवर्ड्स प्राइस चेंजेस दीज आर ऑल मैप इन दिस सर्वे अगेन क्वार्टरली सर्वे वॉट डू इट कैप्चर्स तो इंडस्ट्रियलुक सर्वे में बिजनेस सेंटीमेंट होते हैं ऑफ द करेंट क्वार एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर दिस इज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स ऑन सेट ऑफ पैरामीटर्स कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं पर्टेनिंग टू वर दीज पैरामीटर्सिंग टू फाइनेंशियल कंडीशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्राइस चेंजेस एंड एक्सटर्नल अकाउंट ओके सो दर्वेटेडरिंग होता है एक कुछ एक पैनल पैनल बनाया जाता है ऑफ वेरियस मैनुफैक्चरिंग कंपनीज ऑफ वेरियस साइजेस एंड ये जो इस पैनल में जो मैनुफैक्चरिंग कंपनीज होती है देअर इन्वॉल्वमेंट इन दिस पैनल इज वॉल्टी रिप्रेजेंटिंग अ गुड मिक्स ऑफ साइज एंड इंडस्ट्री पैनल है इट रिप्रेजेंट्स दैट द पैनल रेप्रेजेंट रिप्रेजेंट गुड मिक्स ऑफ साइज एंड इंडस्ट्री ग्रोथ हर साइज के हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंक्लूड करा जाता है हर सेक्टर में से सर्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर इंक्लूडेड फ्रॉम वेरियस साइजिस वेरियस इंडस्ट्रीज ओके वेयर द पार्टिसिपेशन इज वॉलटरी ओके

That is being conducted since 2008 to fill the data gap on capacity utilization. What is capacity utilization? Jitna unki inventory hai, the raw material. How are they converting into finished goods? How are they uh, getting their sales generated? Okay, turnover generated. So this is capacity utilization. Order books is nothing but jo order aara hai. So the books they are maintaining for orders, inventories in the Indian manufacturing sector. So एक्चुअल क्वान्टिटीज का सर्वे है uh, का डेटा कलेक्ट किया जाता है इन दिस सर्वे इन बोथ क्वान्टिटी एंड वैल्यू वाइज विज अभी द इंस्टॉल्ड कपैसिटी दीज डेटा प्रोवाइड सेंटिमेंट ऑफ कपैसिटी यूटिलाईजेशन Okay so these were the five surveys that were that are published by the RBI some of them are bi-monthly some of them are quarterly hamare only important that what are these five surveys and in. hota kya hai okay that is the only thing that is important for us from exam point of view so the second information today the second uh, topic that we are going to discuss about is UPI international why is this in news because PhonePay, a fintech company has for the first time launched UPI international facility

You are a Phone Pay user. So, if you are a Phone Pay user, you can make a UPI transaction even in a foreign country to a foreign merchant, right? So, if you are purchasing anything from somebody who is in Bhutan and you want to uh, make a payment from your bank account in India, you can do it now using UPI service through Phone Pay. So, if you are registered in Phone Pay, uh, using UPI, uh, your so your current bank balance in India will be deducted.

so your bank balance that is registered with upi, especially on phone pay, up uske through you can make payments for the services at the merchant location. prior to their international trip via the phone pay app, okay, it would require customers to enter their upi pin in order to activate the service. the indian customers need to use a foreign currency or their credit or forex card to make an international merchant. so pehle hota tha, uh, earlier, indian merchants had to use their foreign cards. Or their credit cards, forex cards, to pay international merchants. But with this phone pay feature, what they can do is they can now use their Indian bank account to pay using UPI. And this is done in collaboration with NPCIL. What is NPCIL? It is nothing but a subsidiary of NPCI, National Payment Corporation of India ki hi subsidiary hai, National Payment Corporation of India, International Payments Limited. What this does is using technology it global payments, ko enhance karti hai. so this NPCIL helps in enhancing the payments globally using a uh, technology, okay then again another arm of UPI international is UPI international where you can transfer money through UPI internationally, so for example, so for example your brother is in a different country and he or she wants to send you money now they can do it through upi okay so now they can do it through upi they can transfer you money from a different country using upi feature this is also one of the arm of uh, upi international this is upi international money transfer another arm of upi international so अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ रेमिटेंसिस वॉट इज रेमिटेंस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर सो सिंस टू थाउजेंड एट इंडिया यूपीआई का बहुत ज्यादा रोल है सो यूपीआई ट्रांसफर इंस्टेंट इंटरनेशनल रेमिटेंस टू ओवर थर्टी मिलियन इंडियन लिविंग आउटसाइड NPCI partnered with Western Union. So, to allow this money transfer internationally, NPCI partnered with Western Union. This Western Union is an American company providing financial services globally. So, the NPCI partnered with Western Union to facilitate UPI international money transfers to India.

Okay so the sebi strengthens the framework for green debt securities this measure was taken in view to align with the extant framework of green debt securities with updated green bond okay with updated green bond principles recognized by IOSCO so IOSCO is an international organization uh, working for securities okay so it is international organization for securities commission SEBI is a member of this organization. So this organization has certain standards set for security transfer. It works just like SEBI, but internationally. So for example, uh, Indian banking sector ke leh, there is Basel organization, right? And RBI is a member of that. Similarly, this IOSCO is above ट कर

एंड ग्रीन बॉन्ड से कितना हुआ है सो मोस्ट ऑफ द ग्रीन बॉन्ड बाय इंडियन कंपनी जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू करती है दे वॉन्ट की ऑफ शोर एक्सचेंज पे वो इशू करें वाई बिकॉज ऑफ इजियर रूल्स सो करेंटली दे प्रेफर ऑफ शोर एक्सचेंजेस ओवर इंडियन एक्सचेंजेस

जो आपने बॉन्ड्स इशू करे हैं उनसे आपको जो फंडिंग आई है दिस कैन बी ओनली यूज फॉर दीज पर्पसेस फॉर एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज अडोप्शन या सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में तो आपने एक प्रोजेक्ट खोल लिया दिस प्रोजेक्ट सोलर एनर्जी और दिस प्रोजेक्ट विल वर्क टूवर्ड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट तो उस प्रोजेक्ट में आप जितना पैसा इंप्लॉय करेंगे यू कैन रेज दैट फंड यूजिंग ग्रीन बॉन्ड्स तो ग्रीन बॉन्ड्स का पर्पज सिर्फ यही है कि द मनी दैट यू हैव रेस्ड ऑल द फंड

ओके, okay. सो so, अब इसकी वजह से ग्रीन वॉशिंग हो रही थी वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग एंड उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने अपना फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी है सर्टेन अदर कैटेगरीज इन दिस Where you can issue green debt securities and employ the funds raised from green debt securities include energy efficiency. So, any project that is working towards energy efficiency, for that you can issue green bonds. Sustainable water management, including recycling waste to energy, efficient disposal of wastage. Sustainable land use, sustainable forestry, biodiversity conservation. In all of these, if you have any project or asset uh, jo hai, that is working towards all of these, and for that you are raising funds. फॉर दैट यू कैन रेस ग्रीन डेट सिक्योरिटी अब सेबी ने दो और चीजें एड करी है अंडर दिस ग्रीन डेट सिक्योरिटीज फर्स्ट इज ब्लू बॉन्ड एनी बॉन्ड फॉर वॉटर मैनेजमेंट एंड मरीन सेक्टर तो मरीन सेक्टर में जो बॉन्ड्स जो फंड जो है वो अगर इसमें यूज होंगे सो उनको कहा गया है ब्लू बॉन्ड्स सिमिलरली येलो बॉन्ड्स दीज पर्टेनिंग टू द सोलर एनर्जी

सेबी एंड टू अवॉइड ग्रीन वॉशिंग वॉट इज ग्रीन वॉशिंग लाइक आई सैट एनी प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग एंड यू से दैट इट इज वर्किंग टूवर्ड्स वर्ड ग्रीनरी बट इट इज एक्चुअली नॉट सो यू से इट इज वर्किंग टूवर्ड्स यू नो क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को कम कर रहा है ऑन द ऑन द कंट्री उसके लिए इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट Then what is the parameter that you are saying it on wo misleading ho hai. So any false accusation or any misleading information, unsubstantiated or incomplete claims regarding this, about the sustainability of the product or service or business operation, Usku greenwashing may include Karagyhe. okay, so if a company is making certain claims that a product is is utilizing is utilized for anything, for example, sustainability. And it is actually a misleading information. this can be called as. Green अब ये कोई क्यों करेगा? To raise funds through green bonds. Okay, so अब ने framework में कुछ important points discuss करे करें लेट सी वॉट आर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट सो विद रिगार्ड टू पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन अगर कोई कंपनी इशू कर रही है ग्रीन बॉन्ड्स वॉट शुड बी दीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन कितने टाइम तक एक इन्वेस्टर uh,

To recall these securities prior to the maturity date. What does this mean? Ki put option available So anybody who is issuing a non-convertible security. For example, an issuer, a company, ABC Limited, these issue non-convertible securities. Now, before the maturity date, before conversion, they can call these securities. They can pay back the money and write off these securities from their books. So they can do that. This is the put option available. ओके okay. अब कुछ रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट ने बताए हैं फॉर एग्जाम्पल एनुअल रिपोर्ट के साथ प्राइवेट क्या -क्या को ऑफर देते, देते हैं तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट है अलोंग विद यू हैव टू लिस्ट सर्टन अदर थिंग्स ऑल्सो इफ यू आर इशूइंग ग्रीन डेट सिक्योरिटी सेबी ने कुछ डिस्कलोजर नॉर्म्स दिए हैं लेट सी दैट स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन एनवायरमेंटल कैसे आप इस डिसीजन पे आए की जो प्रोसीज है वो किस प्रोजेक्ट में जाएंगी या किस एसेट में यूटिलाइज होंगी वेज बिन द डिसन मेकिंग फ्रेमवर्क उसकी ब्रीफ डिटेल्स देनी है दिस शुड बी डन अलादर डॉक्यूमेंट

Then, qualitative performance indicators and if any, quantitative performance measures that has been brought in on the environment. So, your project, tha, how has it impacted the environment or reduced climate change impact? Uska ek indicator and report. Hai, wo bhi Along with that, ek impact reporting. So, information on project by project basis pertaining to the reporting of environmental impacts of the project financed by the green debt. सिक्योरिटीज और जो इशुअर है हुएवर इज इशुइंग दीज ग्रीन डेट सिक्योरिटीज दे हैव टू अपॉइंट अ थर्ड पार्टी रिव्यू ताकि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि यूटिलाइजेशन को मैप करा जा सके सो so, जिस जिस चीज के लिए जिस पर्पस के लिए ये ग्रीन डेट सिक्योरिटीज इशू हुई गई थी हैव दिस पर्पन विद दिस पर्पस बीन रिजॉल्व एंड द यूटिलाइजेशन हैज टेक प्लेस इन टेकन प्लेस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर टू इंश्योर दैट अ थर्ड पार्टी रिव्यूअर हैज टू बी अपॉइंटेड बाय द इशूअर

the survey obtains two major perception that is the current perception and long term perception no it actually gives two perception correct situation index and future expectation index of next one year not for three years the consumer confidence index above 100 means it is optimistic perception that is true which of the following is not a survey given by rbi कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे जीडीपी सर्वे यू हैव टू टेल दू दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी अभी एक्सप्लेन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक फॉर्म हेज रिसेंटली लॉन्च यू पी आई इंटरनेशनल वेर इन यूजर्स ट्रैवलिंग टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कैन पे फॉर फॉरिन मर्चेंट्स वाया यूपीआई यू हैव टू आंसर दिस इनमें से कौन सा फिनटेक फॉर्म है दैट हेज अलाउड यूपीआई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली